आपके बाद आवाज स्टेशन। हाँ जी, आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। एक्सेल के अंदर हम किस तरह से फॉर्मेट को ट्रिकी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मलिंग में नॉर्मल जो फॉर्मेट है आपको बोल्ड कलर वलर तो जनरली आपको आता ही, फिर भी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको आपने वीडियो में देखा था और हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेंथ लिखा राइट और टीएच के ऊपर नहीं जाता। अगर वर्ड में जाए तो वर्ड में आपको ऊपर चला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इस टीएच को सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर हम यहां फॉर्मेट सेल में ऊपर स्किप कर देंगे, कहीं ऊपर चला जाएगा। ऐसे आपको 10 डिग्री करना है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 10 डिग्री करना है, स्मॉल ओ लिख दिया और फिर इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां हमने कर दिया सुपर स्किप, ये ऊपर चला गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा हुआ तो एक एक के अंदर जाके लगाएंगे दिक्कत होगा, हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं क्या सर? हाँ जी, हमने क्या किया बगल वाले कॉलम में स्मॉल ओ को दिखा, उसको नीचे के तरफ ड्रैग कर दिया और उसके ऊपर हम यहाँ सुपर स्किप लगा देते हैं। ओके, अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अलाइनमेंट को मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, यहाँ से आपको लेफ्ट कर दिया और ये अप कर दिया और इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं राइट कर दिया और डाउन कर दिया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और हम बॉर्डर देते हैं, हम ऊपर का बॉर्डर देते हैं, साइड का देते हैं, इसके साइड का देते हैं, नीचे का देते हैं और ये बीच का देते हैं, ये जो बॉर्डर है नहीं देंगे ठीक है। और फिर इस कॉलम को हम छोटा कर दीजिए। आप बोलेंगे सर फिर भी तो दिख रहा है कि अलग कॉलम में है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो पेज लेआउट में जाएं और ग्रिड लाइन, यहाँ दिख रहा है आपको ग्रिड लाइन, सब तीन बार पूछ चुके हैं इसे मैं दोबारा बता रहा हूं, ग्रिड लाइन पे क्लिक कर, हट गया? नहीं, आप ग्रिड लाइन नहीं हटाना चाहते हैं, ग्रिड लाइन को नहीं हटाना चाहते तो क्या करें, क्या बोला सर? आवाज चली जाती है। मैं चुप हो जाता हूँ, आवाज क्यों जा रही है? अब इसे कर रहा हूं तो चुप रहता हूं मैं, हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल में गया और इसकी इसमें फिल में इसका बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट कर, ठीक है सर? अब दिख रहा है बिल्कुल? तो सर मर्ज कर दो दोनों कॉलम को, वो ठीक नहीं रहेगा? मर्ज कर दीजिएगा तो फिर कैसे, वो कहां से आएगा, वो तो रिप्लेस हो जाएगा ना आपका। क्यों, अगर आप ई और डी और ई को मर्ज कीजिए जरा, देखिए कर देता हूं देखा। हां जी, जैसे करते ही आप देखिएगा आपका वो गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो गया अभी? क्योंकि जैसे कि आपने दो सेल को मर्ज किया तो किसी एक सेल का डेटा आपके पास स्टोर हो, मान लीजिए 24 यहाँ है राइट। अच्छा, तो आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कहने का मतलब एक को तो एक डेटा को तो डिलीट करेगा ना सर, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक सेल हो रहा है, एक सेल एक वैल्यू, एक सेल में डबल वैल्यू तो नहीं हो सकती है। ओके ओके, मर्ज करेंगे तो पूछता है यहाँ कि मर्ज सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है जैसे कि मान लेते हैं इसी में कि हमने कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है, हमने इसमें कुछ वैल्यू डाला हुआ है।
अब मान लीजिए अगर इसकी प्रिंट आउट निकाला जाए, आपको दिया जाए, कुछ गलत होगा तो पेन खाएंगे और ऐसे इसको गलत। मुझे अपने रिपोर्ट में डेटा में दिखाना है कि ये गलत है। कैसे दिखा? टेक्स्ट होता, टेक्स्ट हो, चलिए कोई टेक्स्ट उठा लेता हूं मैं यहां से, कोई भी ऐसी टेक्स्ट जैसे अमेज़न से उठा लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने इसी को उठा लिया, कॉपी किया, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन को गलत दिखाना है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ हमने कर दिया स्ट्राइक थ्रू। हमने क्या कर दिया? स्ट्राइक थ्रू, मतलब बीच बीच उसको काट दिया। तो पता चल रहा है कि गलत है ना, पर इसको कैसे करें? क्योंकि अगर इस पे हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो दिक्कत क्या होगा? नीचे है, नीचे है। तो कोई पता नहीं चलेगा ना सर, पता चल रहा है नहीं। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां से फॉन्ट को सिलेक्ट कर, यहां सॉरी फॉन्ट नहीं, बॉर्डर, माफ कीजिएगा, बॉर्डर, बॉर्डर की थोड़ा सा मोटाई सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं कलर और फिर इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। That, okay. अब मैं आसानी से F4 प्रेस करूंगा तो देखिए क्या होता है। ठीक है सर, ये F4 मतलब F4 का क्या फंडा है सर? शॉर्टकट है क्या? लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट एक्शन। मान लीजिए मैंने इसको कलर कर दिया, राइट? अब मैं यहाँ पे F4 दबाऊंगा तो यहाँ कलर होगा। अच्छा अच्छा, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो लास्ट में आपने यूज किया है उसको रिपीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपने जो स्ट्राइक थ्रू किया था तो वो मैं रिसीव वाले में भी आगे जितने भी को F4 करता हूं, है ना? जी हाँ। सही का निशान लगाना है वो भी आप फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं। यहाँ आप मान लीजिए इस पर ग्रीन ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट किया और इसको, ठीक है, बट जस्ट विजुअल के लिए। आप चाहोगे कि मुझे इसके बिहाफ में फिल्टर लगा लूं, इसके बिहाफ में कोई फॉर्मूला लगा लूं, उसको अलग कर लूं, नहीं हो पाए क्योंकि फॉर्मूला या फिल्टर फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। okay. तो हमें चाहिए कुछ इस तरह से चाहिए जो हमें फिल्टर को लगा सके। यहाँ नीचे चाहिए इसमें, हाँ जी, राइट का बटन और रॉन्ग का बटन है ना। हाँ, तो इसमें हम कैप्स पी को लिखेंगे। अच्छा, कैप्स में पी लिख दीजिए और इसके ऊपर आप ब्रिटैनिक बोल्ड, माफ कीजिए, बाइंडिंग टू, बेडिंग टू या बाइंडिंग टू होता है, देख लीजिए, तो अप्लाई करो। तो कैप्स में पी को इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट कर दीजिए और ओ कर दीजिए कैप्स में, एक क्रॉस कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपको जो पता था मुझे और कोई और सिंबल में किसी और तरह के डिजाइन में डालना हो तो क्या? जी सर, तो इंसर्ट में आइए आप, हाँ जी, और यहां जाइए सिंबल में, ओके, और यहां से आप अपना फॉन्ट सिलेक्ट कीजिए जो बाइंडिंग टू हमने सिलेक्ट किया। आपको इस तरह के सैंबल में चाहिए, इस तरह के सैंबल में चाहिए, इस तरह के सैंबल में चाहिए, आप उसका यूज कोई भी सैंबल कर सकते हो। ये फिल्टर लग जाते हैं सर इसमें? हाँ। अच्छा, तो क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए मुझे तो इसे चेक बटन का बटन इस पे चाहिए, बॉक्स में चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो बॉक्स में चाहिए तो यहाँ आपको दिख गया बॉक्स, बट में क्या है? कैप्स में आर है। ओके, तो फिल्टर लगेगा या कोई इसी तरह का फॉर्मूला लगेगा, जैसे इफ फॉर्मूला लगा दूं कि इफ दैट इज इक्वल टू पी, समझे? हाँ जी, देन ओके, क्योंकि वो पी है। फॉन्ट ने क्या किया,
फॉन्ट ने उसका कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट किया है, विजुअल दिखावा। सर एक चीज बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं एक लिस्ट आइटम बनाता हूँ, इसमें एक 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 कॉलम एफ को आप अगर एक लिस्ट आइटम बना दें, लिस्ट आइटम हाँ मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर, आइटम समझा नहीं सर, एक जैसे आप कॉलम ई है ना, कॉलम हाँ जहाँ पे आपने ओके लिखा है, तो हाँ इसमें आप जरा एक लिस्ट आइटम बना लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। लिस्ट आइटम देते ना हम लोग खाली इनमें से सिलेक्ट कर सके, वो कंडीशन फॉर्मेटिंग में नहीं होता, डेटा वैलिडेशन, हाँ डेटा डेटा वैलिडेशन में, सॉरी हाँ जी मैं कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा सॉरी, इसमें लिस्ट आइटम, अब इसमें मुझे वो डालना है क्या कहते हैं टिक बॉक्स, टिक बॉक्स डालना है यस एंड मतलब रॉन्ग, नहीं नहीं इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते, नहीं जा पाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ डेवलपर के अंदर जाना और हाँ इसका यूज करना होगा। तो ये वाला यूज करके बता दीजिए, ये मुझे चाहिए था, मतलब अच्छा लगा। वो भी आपको इसके अंदर नहीं करेगा सर, ये देखिए आपको बात है, ये आप इंडिविजुअल होगा, फिर भी ये भी लिस्ट बॉक्स में ऐसा नहीं है कि आप ये कर लीजिएगा, ड्रॉप डाउन कर लीजिएगा जी, नहीं इस तरह से होगा, और इसकी वैल्यू फॉर्मेट कंट्रोल में जाके यहाँ साइड में कहीं और ला सकते हैं, जैसे अब इस पे क्लिक किया था फॉल्स टू। मतलब जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको खूब बड़ा डेटा दिया है ना, इसमें से मैंने आपको ये जो आपने कॉलम सी है, और कॉलम सी बहुत दूर तक जाएगा, मतलब 100-200 हैं, मैं ये चाहता हूँ कि यूजर खाली ये करे हाँ भाई आप ये यूज कर रहे हो, उसको टिक करता रहे, रॉन्ग करता रहे, टिक रॉन्ग जो कर रहा है उसको टिक करता रहे। सर ये फीचर इसमें नहीं होती है, फीचर इसमें होती है एक्सेस में होती है। अच्छा एक्सेस में फीचर इसका नहीं। ओके मैं आपके पास डेटा वैलिडेशन वो लगा सकता हूं। और दूसरी चीज, एक अगर फॉर्म वगैरह है, एक आध दो सेल पे करना है, तो उसके केस में आपका ये है लिस्ट बॉक्स भी है, ये भी है, इसका यूज कर सकते हैं एक दो सेल। चलिए बैक टू टॉपिक, तो हमने कर लिया। अब दूसरी चीज होती है कि ये जो मैंने किया, ये तो हमारा फॉन्ट था, बाइनरी फॉन्ट था, और फॉन्ट किसी एक्सेल का पार्ट नहीं होता, फॉन्ट होता है आपका VVA का, सॉरी MS का क्या बोलते हैं, विंडो का पार्ट होता है। अगर आपके विंडो में इंस्टॉल करते समय अगर फॉन्ट इंस्टॉल ना हुआ होगा तो समझे, ये आपका फॉन्ट ना हुआ होगा तो विंडो इंस्टॉल करते समय ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में मेरे पास एक तरीका था जो हमने अपने ऑफिस में किया था, हमने J को लिखा था और यहां से हमने -45 degree के एंगल पे रोटेट कर दिया और क्रॉस फाइनल क्रॉस एक्स फोर क्रॉस, हालांकि ये उतना यूजुअल नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज किसी और चीज में भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ, मान लीजिए अटेंडेंस का ही लिस्ट बना रहा हूँ, मैं नहीं ले जाऊँ, इसको ड्रैग, सॉरी सर मैंने म्यूट कर दिया था, मैं बेटा आ गया, तो यहां आपने एक बार में कैसे कर दिया सर, बड़ा सा जो ड्रैग किया इसको, ड्रैग तो कर दिया, जो आपने एक बार में वो खोल कैसे दिया पूरा, वो लास्ट वाले कॉलम में जाकर उसको डबल क्लिक किया क्या, नहीं खोलने का वो नहीं है, बता दूंगा आपको 23-25 जैसे कि हम इसको सिलेक्ट किया, इसको बोलते हैं ऑटो फिल, यहाँ देख रहे हैं आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाते हैं इस तरह का आइकन बन जाता है माउस का, बस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ होता है फॉर्मेट में, ये आपका होता है ऑटो फिट कॉलम, ठीक है ठीक है सर।
अब यहां पे हम अपना डिटेल डाल, और यहां पे मैं मान लीजिए सिर्फ पी डाल दिया, प्रेजेंट पी फॉर प्रेजेंट। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया ना, हाँ कंट्रोल सी भी किया, ड्रैग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब इसको हम एक पेज में प्रिंट नहीं ले सकते, मैं कंट्रोल पी करता हूँ प्रिंट के लिए, तो इस तरह से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मार्जिन, जो मार्जिन होता है ना वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, नैरो कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से थोड़ा कम पेज लेता है, ठीक है। फिर भी मेरा नहीं आया तो मैंने पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर दिया। फिर भी आप देखिए हमारा 13 तारीख तक ये ले रहा है, मुझे पूरा नहीं। तो मैं अपने डेटा में देख रहा हूँ कि मेरा डेटा तो बहुत छोटा है, बड़ा क्या है उसका हेडिंग, लेकिन मुझे हेडिंग को अगर छोटा किया तो फिर विजुअल नहीं होगा ना। मान लीजिए 1 मई को मैं पी के साइज के बराबर कर दिया तो फिर ईडी नहीं होगा। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके जाइए या फिर इस पे क्लिक करके जाइए या यहां से भी कर सकते हो, यहां पे रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया और फिर हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया और वही ऑटो फिट मैं यहां डबल क्लिक करके कर सकता हूं या फिर फॉर्मेट में यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है सर, अब देखिए अब एक प्रिंट में, एक पेज में प्रिंट भी होगा और ये हमारा विजुअल भी होगा। अब इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जो बॉर्डर होता है मान लीजिए प्रिंट पे तो सिर्फ ऐसे ही आ रहा है ना सर, और चाहते बॉर्डर आए लाइनिंग आए, तो लाइनिंग के लिए आप जो यहां से लाइन लगाते हैं ये लाइन तो ले सकते हैं। आप लाइन नहीं लगाना चाहते पर प्रिंट में लाइन चाहते हैं तो आप पेज लेआउट में जहां ग्रिड लाइन को व्यू और अनव्यू करते हैं ना उसी के नीचे प्रिंट होता है, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए और देखिए प्रिंट पे आ जाइए। दिख गया ये चीज सर, राइट क्लिक कैसे हो जाएंगी, जो आपने जो डेट को ऊपर कर दिया है राइट क्लिक करके, राइट क्लिक में ये राइट क्लिक फॉर्मेट सेल के अंदर अलाइनमेंट में ये रहा -690 तो वहां पे ड्रैग कर दिया ऐसे ना, मतलब वर्टिकल टेस्ट में आता है, आपका रोटेट टेक्स्ट अप एंड डाउन, और यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो इनको भी और नीचे कर देंगे तो 20 नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर 1 में आएगा, है ना। जी हाँ जी हाँ, किसी को डाउट? हाँ जी सर, नहीं अभी तो कोई डाउट। आगे बढ़े, अलाइनमेंट समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अलाइनमेंट और बॉर्डर हम समझ लिए, बॉर्डर में मुझे थोड़ी सी मुझे दिक्कत है कि एग्जैक्टली बॉर्डर हम लेते कहाँ से, ये मुझे कभी समझ में नहीं आता आज तक, मतलब बॉर्डर का बॉर्डर के लिए यहाँ पे आपके सामने जैसे कि आप बॉर्डर को देखना है तो पहले ग्रिड लाइन हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा हो गया, हाँ जी। मतलब कि हमने यहाँ पे टाइप किया तो एक सेल का चारों तरफ का बॉर्डर क्या है कहाँ आपके सामने बना हुआ, जैसे कि आपने बॉर्डर बॉर्डर ले लिया, देखिए नीचे बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में भी ले आते हैं, कंट्रोल टी कर टेबल आ जाता है ना एकदम से, टेबल फॉर्मेट हो गया ना सर, टेबल फॉर्मेट सिर्फ बॉर्डर ही नहीं आता उसमें और भी फॉर्मेटिंग भी आ जाते हैं ना। अच्छा हाँ क्या जी सर, जैसे कोई भी डेटा है मेरे को फटाफट से कंट्रोल टी कर देता हूं तो वो टेबल फॉर्मेट में एकदम से आ जाता है। और कल वाली रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैं भी भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे,
ठीक है, ये वाली जरूर भेज देना सर, मैं आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो ये दोनों मैं कर लूंगा आज, है ना, दोनों भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं मर्ज से, हाँ जी, रैप की, माफ़ कर, रैप बात कर रहे हैं, जैसे आप ही खास चीज़ आपके दिव्या कुमार, तो ये देख रहे हैं ना कि ये अगले कॉलम में चला गया, हाँ जी दिख रहा है ना सर, अगर अभी दिख रहा है, जैसे अगला कॉलम में कोई डेटा डाल दूंगा तो आप देखेंगे कि अगले सेल में आपका जो है ये नहीं आएगा, मतलब नेम पूरा नहीं दिखेगा, पूरा दिखाने के लिए हम उसको क्लिक करके और ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑटो फिट करना पड़ेगा ताकि कॉलम की साइज बड़ा हो जाए, क्या सर? जी सर, मैं कॉलम की साइज बड़ा नहीं करना चाहता, तो कॉलम की साइज बड़ा करूंगा तो फिर प्रिंट में नहीं आएगा ना सर, हमारे प्रिंट का विड्थ लिमिटेड है, तो हम लोग इसको रैप करते हैं, रैप करता है तो टूट के नीचे चला जाता है, और अपने हिसाब से कॉलम की साइज, वर्ड की साइज, स्पेस सब लेके अपना एनालिसिस करके तोड़ता है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से तोड़ना है, मैं चाहता हूँ कि मैं जहां से तोड़ना चाहूँ वहां से तोड़, तो मैं यहाँ पे लिखा और यहाँ ऑल्ट एंटर कर दिया, ऑल्ट एंटर टाइप करते समय ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये टूट के नीचे आ जाएगा, और जहां पे कर्सर होगा वहीं से, जैसे मैंने सुजीत लिखा और हमने लिख दिया यहाँ ऑल्ट एंटर कुमार, फिर ऑल्ट एंटर, फिर यहाँ पे सी, ठीक है, लेकिन मुझे रैप भी नहीं करना है, क्योंकि रैप करने से भी हमारा रो का साइज तो बढ़ जा रहा है, तो मैं रैप भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा कॉलम का साइज है मेरा उतने ही बड़े साइज में अपने आप को एडजस्ट कर लें, आवाज़ नहीं आई, अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ श्रिंक टू फिट दिख रहा है, हाँ जी, और ओके कीजिए, कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए, और कॉलम कभी बड़ा होता है तो अपने आप को बड़ा कर दे, छोटा होता है छोटा कर, तो कॉलम के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते। अब मर्ज की बात करें, इसे मर्ज को जानते हैं कि कई सारे सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज कर सकते, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या हुआ कि अब मैं कुछ भी नाम लिखूंगा यहाँ पे भी, तो देखिए सेंटर में आएगा, मतलब कि यहाँ से सेंटर वाला जो है ना ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक होता है आपका सिर्फ मर्ज, मर्ज करते हैं तो क्या होता है कि टाइप करूंगा जो डिफॉल्ट हमारा होता है, इसमें कोई लेफ्ट राइट वन कुछ नहीं होगा, डिफॉल्ट जो हमारा राइट से टेक्स्ट राइट से और नंबर लेफ्ट से होता है वही आपका शुरू होगा। दूसरा मर्ज अक्रॉस करते हैं, आपने मर्ज किया तो जितना सिलेक्टेड था सबको एक सेल में बना दिया, बट मर्ज अक्रॉस अगर हम करते हैं तो एक रो को मर्ज नहीं करता है, सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है, ठीक है, ये आपका मर्ज अक्रॉस होता है, क्लियर है सर? हाँ जी, मर्ज अक्रॉस मतलब एक कॉलम को खाली, जैसे बी और के एल एम एन को किया है, वन को रो को नहीं किया, तो हम अलाइनमेंट को समझ गए, हम फॉन्ट को समझ गए, हम बॉर्डर को समझ गए, और फिल तो नॉर्मल समझाने की जरूरत ही नहीं है, तो पता ही होगा सर आपको फिल इफेक्ट में क्या होता है, फिल इफेक्ट में आप दो तीन कलर का मिक्सअप ले सकते हैं, वर्टिकल और राउंड ऑफ इस तरह की चीजें भी ले सकते हैं, फॉर्म सेंटर जैसे हमने कर दिया तो ये आपका सेंटर होगा, मैं एक साथ कैसे मर्ज करता हूँ देखिए आपको दिखेगा इस तरह, ओके सर, फिल इफेक्ट में इसमें चाहते हैं व्हाइट के जगह पे कुछ और हो, ग्रे हो, तो मैंने इसको ग्रे कर दिया, तो हल्का ग्रे हो गया ना, लाइट कम हो गया हल्का, ठीक है सर, ठीक है सर, इसका यूज करते हैं।